27 जून को है आरडी बर्मन डे, यानी कि आरडी सर के बर्थडे के मौके पर एक्साइटमेंट के चलते एक हफ्ते पहले ही उनका हैप्पी बर्थडे टू यू सेलिब्रेट करने के लिए वेलकम टू सुपरस्टार सिंगर टू गाना हो या फिर चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, जाने जा ढूंढता फिर रहा हो या फिर चिंगारी कोई भड़के। पहला गाना दुनिया का अल्टीमेट रोमांटिक डुएट सॉन्ग, दूसरा गाना दुनिया का अल्टीमेट फिलोसॉफिकल सॉन्ग, पर दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो है द आर डी एक्स फैक्टर, यानी कि आर डी बर्मन का एक्स फैक्टर। ग्लोबल म्यूजिक कॉम्पोजिशन की दुनिया में अगर कोई गॉड के बाद दूसरा नाम है तो वो है आर डी बर्मन। आरडी बर्मन यानी कि हमारे पंचम दा। पंचम दा, बिल्कुल जावेद भाई। एक और बात थी, पंचम दा की बड़े वर्सटाइल म्यूजिक डायरेक्टर थे, क्लासिकल गाने भी उन्होंने बड़े कमाल के कंपोज किए हैं। सबको ये लगता था कि पंचम दा हैं, बहुत मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, और ही ऑलवेज शॉक्ड यू विद हिज क्लासिकल नंबर्स। So guys, are you ready for the R.D. Barman, a.k.a. Pancham Da Special? Shuru karte hain Summer of 22 ka top-rated show, Superstar Singer Season 2, Thalia! खाया है धोखा मैंने।
मजा आ गया आपका ये गाना सुन के, आपका ये टैलेंट देखकर. बहुत बहुत मुबारक हो. फिनोमिनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. और आप लोग बहुत बस लगे रहो प्लीज, सब ध्यान अपने टैलेंट में ही दो, बिकॉज यू ऑल हैव अ वेरी लॉन्ग फ्यूचर अहेड. पंचमदा के गाने गाना हर किसी की बस की बात नहीं है, और तुमने वो करके दिखाया. तुमने मतलब छक्के मार दिए यार, कमाल कर दिया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. लाजवाब. दानिश, क्या टीम है आपकी यार, बल्ले बल्ले. दानिश, क्या बात है. तो दानिश, विश्वजा, चैतन्य और अरुणा ने दुनिया हिला दी. Thank you.
खूबसूरती से गाया, इतना आसान नहीं है ये, ऐसा लगता है कि बड़ा इसमें मेलेडी है, सिंपल है। आई थिंक दैट्स व्हाट जो पंचमदा की खूबसूरती थी, और आप लोग दोनों ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को गाया। पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और डलहौजी में हमने ये गाना शूट किया था। बहुत ही ठंड थी इसके शूटिंग के वक्त, और मनीषा की मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये पहली फिल्म थी, सिर्फ सौदागर की थी मनीषा ने, तो गाना हम लोग कर रहे थे, बहुत ठंड थी, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा काम करते हैं, थोड़ी सी गर्मी लाने के लिए थोड़ी सी ब्रांडी दे देते हैं मनीषा को। मैंने तो अपना जैसे होता ना हीरोज होते हैं, जैकेट वैकेट पहना था, टोपी ओपी पहनी थी मैंने, तो लड़कियों को तो जैसे फिल्मों में साड़ी पहननी पड़ती, शिफॉन की साड़ी, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, सो यू फील, तो एक ड्रिंक दिया, थोड़ा और ले ले, तीसरा, फिर कम गाना चल रहा, चौथा थोड़ा सा दिया, सडनली मैं रिम जिम देखा तो मनीषा ही नहीं, डम डम So
हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान वो हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिर भी हो कहां महफिल महफिल ऐ शमा फिर भी हो कहां हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिर भी हो कहां महफिल महफिल ऐ शमा फिर भी हो कहां क्या बात है क्या बात है यार मुझे लगता है कि मुझे मेरा सिंगर मिल गया है फैज आई जस्ट लव योर वॉइस आई जेन्युइनली वांट कि आने वाले टाइम में आप मेरे लिए गाए आप इतने रेट्रो गाने को इतने नए अंदाज में गा पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है एचआर मुझे लग रहा है कि फैज की आवाज मुझे सूट होगी आप पे सूट होती है आई एग्री विद यू आप पे सूट होती है मगर मेरे पे जो सूट होती है वो कुछ बात ही हो रहा है क्या बात है ओके देखते हैं सर देखते हैं देखना पड़ेगा हम जज करेंगे ओ हसीना जुल्फों वाली क्या बात है जाने जहां क्या बात है ऐसा नहीं है सुर भी है ताल भी है सब कुछ है आ रहा हूं मैं हमें क्या करना है एग्जैक्टली exactly? आपको लिप सिंक करना है और फैज प्लेबैक सिंगिंग करेंगे आपके लिए हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आगे किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां जाता है मेरा भी
हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढ दी है काफिर आगे किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां Genuinely, let's hear it for AK, guys. Come on. Louder. के पहले भी परफॉर्मेंसेस देखे आपने जिस तरीके से चुनर पे गाया था तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि जिसके भी दिल में माँ के लिए प्यार है प्रेम है स्नेह है वो इंसान को कोई नहीं रोक सकता है उस पे प्रभु का हाथ है और जिस तरीके से आप ये गाना गा रहे थे जो इमोशनल कॉर्ड्स आप टच कर रहे थे बहुत इतने कम उम्र में वो कॉर्ड को टच करना ही मतलब माँ सरस्वती का हाथ है आपके सिर पे आपकी खुद के माँ का हाथ है आपके सिर पे मैं जानता हूँ कि आपके माँ ने आपको यहाँ तक लाने के लिए आपकी परवरिश के लिए आपके एडुकेशन के लिए बहुत मेहनत की है सुई धागा से आपकी परवरिश की है
मैंने एक फिल्म भी की थी सुई धागा, सो आई नो इट्स नॉट ईजी. मुझे पता है कि बहुत परिश्रम करना पड़ता है. एक्चुअली हमारे जुग जुग जियो के टीम से हम आपके लिए एक गिफ्ट लाए यहाँ पे, जो हम आपको देना चाहते हैं. ओह वाओ, वेरी नाइस, क्या बात है. क्या बात है. मैं ये चाहता हूँ कि सर मैं जल्द से जल्द बड़ा हूँ, और जो मेरी मम्मा के पास जो है हाथ वाली मशीन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है स्टिचिंग वाली, वो ला कर दूँ. और मैम, मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि आपको इसके परवरिश के लिए कोई भी मदद हो, फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, प्लीज़ उसके लिए टेंशन मत लीजिए. आई जेन्युइनली मीन इट, ये शो के माध्यम पे बोल रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू से इट फॉर द शो. ये कार्ड देना आपको चाहिए, बट आपको कुछ भी चाहिए उसके लिए आई विल ऑलवेज बी देयर. क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू. जेन्युइनली वेरी वेरी बहुत, आप बहुत टैलेंटेड हो. आप नहीं नहीं ये सब मत करो, आप जेन्युइनली आपका आप आपकी तो जगह यहाँ पे. और अब आ रहा है वो बच्चा जिसके अंदर है प्रभु का वास, पवन के पटाखे से प्रभु प्रांजल बिस्वास.
क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। हमारे बीच एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन आए हुए हैं श्यामराज जी, और उन्होंने पंचमदा के साथ भी काम किया है। बिल्कुल, और अनेकों गानों में उन्होंने पंचमदा के साथ बजाया है, और कितने सालों से वो काम कर रहे हैं। और आज हमारे सुपरस्टार सिंगर के इस मंच पर, हमारे कंटेस्टेंट्स के, हमारे सबके साथ में वो लाइव बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। द लिविंग लेजेंड श्यामराज जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और ये गाना हमारी समायरा ने इतना खूबसूरत गाया, मुझे ख़ास बात क्या लगी ना, दीदी ने गाया है, किशोरदा ने ये गाना गाया है, लेकिन क्या यही प्यार है, तो ये जो हाँ यही प्यार है, क्या यही प्यार है, ये जो गाया है ना, वो इतना खूबसूरत गाया है। इसकी आवाज दिन ब दिन निखरती जा रही है, निखरती जा रही है, निखरती जा रही है। मुझे लग रहा है आप पीछे मुड़के कभी देखोगी नहीं समायरा। थैंक यू सर। आने वाले वक्त में भी हम लोग ना एक टीम छोड़ दें यार, और इसी तरह से कोलैबोरेट करके एक साथ बढ़ते चलें, और म्यूजिक का मजा उठाते रहें, लुत्फ उठाते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। यूजुअली गाने जब पुराने होते हैं तो नए गाने उन्हें रिप्लेस करते हैं, लेकिन पंचमदा एक ऐसे कंपोजर हैं जिनके गाने एवरी ईयर पिछले साल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तुम पवन के साथ जब ये परफॉर्मेंस कर रही हो तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि नहीं ये कोई केमिस्ट्री मिसिंग थी इस गाने की, जो नोट्स में या एक एक जो अंदाज होना चाहिए वो तुमने बिल्कुल ऐसे लगता है कि उस कैरेक्टर को पी लिया, और वो भी लता जी का गाना, तो वो अपने आप में मुझे बहुत बड़ी बात लगी बेटा। वेरी नाइस, एंड तुम बहुत आगे जाओगी, वेरी वेरी नाइस। I'm speechless. मतलब मैं क्या कहूँ सर? I just want to stand and clap. क्या बात? Well done. Thank you, आदि भैया. Well done.
जुग जुग जियो जुग जुग जियो जुग जुग फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़